हेलो दोस्तों, हॉस्पिटैलिटी कैरियर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बताऊंगा आपको कि मेस हेल्पर के स्किल टेस्ट में क्या पूछा जाएंगे। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस की क्वेरी आई थी कि सर स्किल टेस्ट में क्या होगा, हमें डिशेज बनाकर दिखाना होगा, तो डिशेज में क्या बनाना होगा, मैक्सिकन चाइनीज जो हमने होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा में पढ़ा है वो चीज़ें बनाने होंगे, वो डिशेज बनाने होंगे कि हमें क्या करना होगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मेस हेल्पर की वैकेंसी आई है और इसमें स्किल टेस्ट है। अभी तक मेस हेल्पर की वैकेंसी नहीं आती थी, 10 साल मैंने तो नहीं देखा था, अभी जो आई है इसमें स्किल टेस्ट है। तो मुझे लगता है कि स्किल टेस्ट में पूछा जाए, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है और जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, नोएडा में इतने कैंडिडेट के लिए कुकिंग की अरेंजमेंट नहीं हो सकती है। मेरे हिसाब से जो मेस हेल्पर की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उनसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइटम पूछा जा सकता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रोसरी आइटम पूछा जा सकता है। इट मीन्स कि आपके टेबल पे लेआउट रहेगा आइटम का कि ये मसाला कौन सा होता है, दाल कितने टाइप का है, तो ये दाल कौन सा है, या ये राइस कौन सा है, या तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइटम हो सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट हो सकते हैं कि ये इक्विपमेंट कौन सा होता है, या पिलिंग में कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट हो सकता है, या वाइवा हो सकता है, जो 2-3 इजी क्वेश्चन वाइवा में हो सकते हैं वो हो सकता है, कि टाइप्स ऑफ कटिंग क्या हो सकती है, या कि 200 स्टूडेंट हैं उनके लिए कितने राइस लग सकते हैं, कितना दाल यूज हो सकता है, या हाइजीन का मतलब क्या हो सकता है। तो जो अकॉर्डिंग टू मेस हेल्पर, तो मेस हेल्पर कोई मीन्स ऐसा भी वाइवा नहीं होगा कि जिसमें हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाए, आपके दिमाग के ऊपर जाए, ऐसा भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर वाइवा हुआ तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइटम मैंने बता दिया कि आप स्पाइसेस के बारे में पढ़ लो, जितने भी वेजिटेबल है उसके बारे में पढ़ लो जो यूज होते हैं किचन में, जितनी भी ग्रोसरी आइटम यूज होती हैं उसे पढ़ लो विथ इंग्लिश नेम। मान लो क्लोव किसे बोला जाता है, क्लोव का मतलब क्या होता है, इलायची को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है, तो आप इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइटम आपको आना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से अरेंज कर लो, क्योंकि मुझे लगता है कि कितने लोगों जो अपीयर हुए हैं मेस हेल्पर में उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, क्योंकि उसका डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट बहुत हार्ड था। तो सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट को अरेंज करो, उसके बाद स्किल टेस्ट की तैयारी करो। टफ से टफ अगर चांस तो नहीं है, बट अगर वो डिश बनवाए तो आप इंडियन डिशेज की रेसिपी पढ़ लो कि वरा कैसे बनता है, और जैसे सांभर कैसे बनता है, सांभर में बनने में क्या क्या वेजिटेबल की रिक्वायरमेंट है, तो ये सब आप एक बार देख लो। एक बार एक सिंपल मेन्यू भी प्रिपेयर कर अपने पास रख लो कि अच्छा ब्रेकफास्ट में ये लगता है, लंच में ये मेन्यू दे सकते हैं, डिनर में ये दे सकते हैं, तो आप चारों तरफ से अपने आप को प्रिपेयर रखो। इससे आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, आप प्रैक्टिकल या स्किल टेस्ट में डरोगे नहीं, अपना 100% दोगे, समझ गए। एक बार मेस हेल्पर की ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ लीजिए। मेस हेल्पर क्या करते हैं, मेस हेल्पर जो कुक को हेल्प करते हैं, किसमें, खाना की कुकिंग में, तो इनसे यही चीजें पूछी जा सकती है। अगर और भी कोई अपडेट मेरे पास होगा तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जितने चीजें मैंने आपको बताई ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया, इसका जिक्र कहीं भी नहीं है, ठीक है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।